जो हुकुम जनाब। कैप्टन का जो इंसिडेंट है, अपने बेटे को आर्मी स्कूल में ले जाते हैं। हमें उन दोनों को जैसे भी करके किडनैप करना होगा। तुम लोग इस रास्ते को ब्लॉक कर दो। ठीक है जनाब। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। बेटा स्कूल पे अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है पिताजी। अरे रास्ता कौन ब्लॉक किया? बेटा उतर, मैं देखता हूँ। तब तक हम लोग तेरा पिटाई करते रहेंगे। चाहे तुम लोग मुझे जितना भी मार लो, मैं मुंह नहीं खुलूंगा। तुझे मुंह खुलना होगा कैप्टन, वरना तू कल का सूरज देख नहीं पाएगा। सुन कैप्टन, 4 दिन बाद ईद है। हम चाहते हैं इससे पहले हमारे लीडर अकरम को छोड़ दिया जाए, और वो तू कर पाएगा। जरा सा फिक्र मत करिए, मैं अभी इसका मुंह खुलवाता हूँ। बता दे कैप्टन, बता दे, जिसे तेरा साथ साथ तेरा बेटा को भी मार देंगे। तुम लोग मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर एक भी हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचोगे। लगता है तू तेरा बेटे को बहुत प्यार करता है। तो फिर ठीक है, तेरा बेटा को ही पहले खत्म करते हैं, तब जाके तू मुंह खुलेगा। रुको रुको, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, तो मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुझे तेरा आर्मी से बात करना होगा और हमारे लीडर अकरम को छुड़ाना होगा। तो बता नंबर 8 9 4 5 0 1। ले कर ले बात। हेलो ऑफिसर, मैं कैप्टन राजू बात कर रहा हूँ। आतंकवादी ने मुझको और मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या सर, आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, हमें आतंकवादी लीडर अकरम को छोड़ना होगा, नहीं तो वो लोग मेरे बेटे को मार डालेगा। सर आप तो जानते हो आतंकवादी अकरम कितना खतरनाक है। 26/11 मुंबई हमला में भी उसका हाथ था। लेकिन सर कोई बात नहीं, हम उसको फिर से पकड़ लेंगे। पहले हमें आपको और आपका बेटे को बचाना पड़ेगा। वो लोग तुमको एड्रेस देगा, तुम लोग उसी एड्रेस पे अकरम को लेके चले आना। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कर लिया बात, अब मैं बात करता हूँ। सुन बे ऑफिसर, इस दिन के लिए हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। अगर कोई भी चालाकी किया तो तुम्हारा कैप्टन के साथ साथ उसके बेटा को भी मार देंगे। आप लोग हमारा सर और सर के बेटे को कुछ मत करना। हम आपका बताया हुआ एड्रेस पे आपका लीडर अकरम को लेके आएंगे। तुम सब बहुत बुरे हो, मेरे पापा तुम सबको मार डालेगा। चुप कर साले। जवानों इधर आओ। जवानों सुनो, एक बुरा खबर है, किडनैप कर लिया है। हमें आतंकवादी अकरम को छोड़ना होगा, नहीं तो वो लोग हमारा कैप्टन और उनका बच्चे को मार देगा। सर आप तो जानते हो हम आतंकवादी अकरम को कितना मुश्किल से पकड़ा था। वो तो ठीक है, लेकिन पहले हमारा सर को बचाना होगा। चल कैप्टन, उनकी बेटे की जान की परवाह नहीं है क्या? जल्दी हमारे भाईजान को हमारे हवाले करो। ठीक है। कैप्टन तेरे पास जैसे 4 साल मेरे को जेल में रहना पड़ा, मैं जितना तरपाऊँ तुझे भी इतना तरपाऊंगा। तू शुक्र मना, तुझे जेल से रिहा किया, दुनिया से नहीं। आपके बेटे को हम चुरा के लाएंगे। आतंकवादी लोग ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें जल्दी से मिशन पे जाना होगा। सर आप रेस्ट करो, हम मिशन पे जाते हैं। नहीं मैं भी जाऊंगा, चलो।
जनाब बहुत दिन बाद आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब्दुल तुम्हारे ऊपर मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुम्हें ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। सॉरी भाईजान, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब हम कैप्टन का बेटे के बदले इंडियन आर्मी से कश्मीर डिमांड करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रेस्ट करेंगे, कल सुबह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाएंगे। चार हो देखो आतंकवादी लोग। सब लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, आतंकवादी पांच है और हम भी पांच है। हम सब एक एक आतंकवादी का ऊपर निशाना लगाएंगे और एक साथ फायर करेंगे। ओके सर, चलो फायर।